हेलो गाइस, ये सुधांशु मानते हैं वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो मेरा आप लोगों को भी ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, इंडिया पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो सही है या फिर नहीं है? वो बच्चों का फ्यूचर बना रहा है या फिर बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहा है? आपका जो भी ओपिनियन है आप कृपया करके कॉमेंट बॉक्स पर जाके कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया था और मेरे जैसा बहुत सारे बच्चे भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और आई थिंक शायद आगे भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखो, अपना इंडिया पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली क्या पढ़ाते हैं भाई, थ्योरिटिकल चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं। आप जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे ना, आप जब 10th क्लास तक जो पढ़ाई किए होंगे ना, आप जब 12th पे जाओगे, आपको कभी लगेगा कि नहीं भाई मैं जो पढ़ाई किया था उसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वो पढ़ाई भाई आप टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आपको जो भी पढ़ाई करवा जाता है ना, वो बस इस वजह से पढ़ाई करवा जाता है कि आप लोग पढ़ाई करके एक जॉब जाके कर लो, ठीक है। कभी भी हम लोगों को ये आइडिया नहीं दिया गया है कि कुछ हटके करना है, कुछ अलग सा करना है। कुछ चीज़ें जो कि एजुकेशनल सिस्टम पर रिक्वायरमेंट है वो मैं आज आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ रहने से, अगर रहेगा ये चीज़ तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जो कि आज तक भी नहीं है और मेरे को नहीं लग रहा है कि आगे जाके ये चीज़ रहेगा भी। जो फर्स्ट पॉइंट मेरा है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट, बच्चों को तुम लोग नौकरी करना सिखाने से अच्छा है उनको सिखाओ कि डिफरेंट पाथ पैसा अर्निंग का कैसा, क्या क्या डिफरेंट पाथ है जिसके हिसाब से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 15-16 साल का लड़के अगर उनका माइंड ठीक हो गया, वो लोग स्कूल वगैरह से ड्रॉप आउट करके ना अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं और आज 20-21 साल में बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया ये जो एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग जा रहे हैं ना, ये गधे का रेस है, इसमें हम लोग जाके कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये सही चीज़ है भाई, किस किस को बहुत पहले से आइडिया जाता है 15-16 साल के, मतलब आजकल के लड़के जो होते हैं वो स्मार्ट ही होते हैं, उनको समझ में ये आ जाता है कि भाई हम लोग इतना लंबा रेस भागेंगे लेकिन लास्ट में जाके कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट को जॉब मिलेगा कि नहीं इसका गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो वही है हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम पे ना, अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा तरीके से तुम लोग पैसा कमा सकते हो जो कि लेजिट वे है, घर पे बैठ के भी तुम लोग अर्निंग कर सकते हो, तो बच्चे क्या हो जाए ना, मतलब उनको लगेगा कि हाँ हम लोग घर पे बैठ के भी कुछ कर सकते हैं, तो वो पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ भी करेंगे और बाय द एंड ऑफ द टाइम उनके पास भी कुछ आइडियाज़ हो गया होगा और वो अर्निंग भी करने लग जाएंगे। तो जो मनी मैनेजमेंट है आई थिंक वो रहना चाहिए, और जो होता है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का नाम का चीज़ होता है, बच्चों को माइंड पे प्रेशर डाल देते हैं कि तुम लोग एग्ज़ाम दोगे इतना परसेंटेज लाओगे तो इतना अच्छा जॉब मिलेगा वगैरह वगैरह, मतलब बच्चों का भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मतलब क्लास होना चाहिए कि कैसे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कैसे अपना टाइम को मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, और एक फाइनेंशियल भी मैनेजमेंट होता है जिस पर कि हम लोग मनी को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा रहेगा, फालतू का चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने से हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। और एक जो चीज़ है जो कि मैं बोल रहा हूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बस जैसे कि मैं पहले बताया कि जॉब करने के लिए ही सिखाया जा रहा है, कोई भी ये नहीं बोल रहा कि आप अपने हिसाब से कुछ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक मतलब वो भी एक रहना चाहिए पढ़ाई के अंदर कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। मेरे हिसाब से ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताया ये चीज़ बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे रहना चाहिए, तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा और बहुत सारा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, वो भी दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लग रहा है पर्सनली आप थोड़ा सा कॉमेंट करके बताइए। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ की सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो, थैंक यू।